क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक जो ऊपर है ना वाटरफॉल लंबी धार का, ठीक है, ये घाटी है ऐसे वी में, और जब ऐसे वी में होगा तो पानी देखो ना इधर आएगा ना इधर आएगा, ऐसे बीच से ही आएगा ना पानी, तो है ना, तो इधर की तरफ ना पक्का नदी जा रही होगी। अरे यार देखने में लोकेशन ये देखो, ये देखो नीचे नदी है, दिग्गी देखो कितनी मस्त हवा चल रही है। आप लोगों से ऐसे कैमरे में भी हवा की आवाज आ रही होगी हल्की, पर यही सच्चाई है उत्तराखंड की, यही सच्चाई है। तो वैसे ही अब करेंगे और शाम को 6:15 में ब्लॉग आएंगे, ठीक है। अब से आसपास का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये पीछे देखो मतलब इसी वाले जंगल से मैं अभी आया हूँ। पानी भी दिख रहा मेरे को, नदी की आवाज भी काफी तेज आ रही। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो बाकी आज वाले व्लॉग की शुरुआत देखो सीधा हो रही है हाईवे से, और हाईवे से क्यों हो रही है क्योंकि देखो आज का मौसम इतना बढ़िया हो रखा ना, तो मैंने सोचा कि फिर हाईवे से व्लॉग करते हैं शुरू। और आज वाले व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं मतलब कि हिल साइड। मैंने आप लोगों को कल वाले व्लॉग में बताया था कि अगर ऐसा ही मौसम रहा ना तो चलेंगे फिर हिल साइड, तो आज जा रहे हैं हम लोग हिल साइड। तो ये वाला रूट सीधा निकलेगा हिल की साइड। तो अभी देखो यहाँ से जाएंगे दो रास्ते, एक जाएगा पहला मसूरी, दूसरा जाएगा किमाड़ी की साइड। तो अभी इन दोनों में से मैं जाने वाला हूँ एक रास्ते पर, तो अभी देखते हैं वो रास्ता कौन सा होने वाला है। चलो चलते हैं। बाकी देखो अभी ना मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था, पर बाकी ना एकदम से अब धूप निकल गई। अब देखते हैं मतलब कि हिल राइड में कैसा मजा आने वाला है, गर्मी रहेगी या ठंडा मौसम होने वाला है। वैसे तो पहाड़ में देखो हमेशा ठंडा ही रहता है। तो बाकी चलो अभी चलते हैं यहाँ से और देखते हैं कि आज के व्लॉग में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा। और अभी काफ़ी सारे लोग ना ये सोच रहे होंगे कि आज व्लॉग मतलब काफ़ी लेट आया, ठीक है। तो अब से व्लॉग ऐसे आएगा 6:15 में शाम के टाइम, ठीक है, और एक दिन के गैप में आएगा। ये सब आप लोगों ने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, ठीक है। तो बाकी देखो पूरी डिटेल बताने के फायदा है नहीं, अगर जिन्होंने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके देख लेना इससे पहले वाला व्लॉग की पूरा चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था उसमें। तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं सीधा पहाड़ की तरफ, और आज का व्लॉग जो रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। मेरे को ना एक काम भी है यहाँ पे छोटा सा, चलो आते टाइम करेंगे यार वाला काम, अभी तो चलते हैं पहले। कौन मार रहा है इतना हॉर्न? वैसे तो मैं सुबह ही निकल जाता पर थोड़ा काम था इसलिए फिर आज फिर अपना दिन के टाइम निकले 11 बजे, और मेरे को लगा था मतलब मौसम ठीक हो रखा है तो मज़ा आएगा आज वाले व्लॉग में, मतलब कि आज व्लॉग बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा। पर आज मतलब कि काफ़ी अब तक धूप निकल गया यार, तो गर्मी हो रही तो अब सही है, मतलब कि पहाड़ की साइड चलते हैं और एकदम बढ़िया सा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि जो मैंने टर्न करा है वो करा है किमाड़ी की तरफ, तो मैंने यहाँ से मोड़ लिया गाड़ी किमाड़ी की तरफ। तो अभी जाएंगे हम लोग किमाड़ी राइड पे। आंटी जी मैं अकेले जा रहा हूँ, आप नहीं जा रहे मेरे साथ। तो काफ़ी टाइम हो गया था मैं किमाड़ी की तरफ आया भी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि आज चलो मौका भी अच्छा है, मौसम भी बढ़िया हो रहा, और थोड़ा पास देखो हिल जो सबसे पास हमारे घर के पास जो हिल है ना, मतलब जो क्लॉक टावर के सबसे पास जो हिल है वो ये किमाड़ी की हिल है, ठीक है। तो सबसे पास किमाड़ी है, तो हर कोई पहुँच जाता है यहाँ पे, तो मैं भी पहुँच जाता हूँ। बात तो सही है। खैर बाकी ये मजाक मस्ती चलती रहेगी, बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। मतलब तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम तक ना मतलब कि मोटो व्लॉग को छोड़ते हैं, और मोटो व्लॉग के बदले ना हम डालते हैं मतलब कि एक्सप्लोर का कंटेंट, ठीक है। मतलब कि अब से मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि अब कल से ना डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन जाते हैं, जितनी भी मतलब कि गर्मियों की नहाने वाली है ना एकदम अनएक्सप्लोर, ठीक है, तो वहाँ चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कितनी मतलब बढ़िया बढ़िया जगह देहरादून में है, ठीक है। और इस बार तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ना मतलब कि 2-3 क्लिप जो काफ़ी वायरल हो रही है देहरादून की, मतलब कि गर्मियों के रिलेटेड है वो, मतलब कि नहाने की जगह है, इतनी बढ़िया बढ़िया लोकेशन होगी ना। तो देखो जाना तो बनता है उस जगह पे, जब गर्मियाँ हैं और हम देहरादून में हैं तो जाना तो बनता ही है फिर। तो बाकी मैं सोच रहा हूँ कि कल से हम लोग डालते हैं मतलब कि एक्सप्लोर का, ठीक है, कि मतलब कि एक्सप्लोर करने का डालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन जाएंगे और एकदम बढ़िया से ना नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। देखो जाएंगे तो ऐसे ही हम लोग मोटो व्लॉग करते हुए, ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं है कि मतलब मोटो व्लॉग, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जैसे अभी जैसे आज वाला व्लॉग है, आज वाला व्लॉग हम लोग पूरा मोटो व्लॉग के ऊपर ही करेंगे, ठीक है। पर मतलब कि कल से हम लोग ये ट्राई करेंगे कि एक्सप्लोर ज़्यादा करेंगे और मोटो व्लॉग कम करेंगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था जाएंगे तो हम लोग ऐसे, ठीक है। हाँ बल्कि कभी कभार ये है कि अगर मतलब कि मेरे साथ अगर एक दो बंदे कोई और भी आ गए, ठीक है, तो ये रहेगा मतलब कि तब कभी कभार मतलब कि थोड़ा नॉर्मल व्लॉग बना लेंगे, मतलब एक्सप्लोर का भी बनाएंगे वैसे ही, पर नॉर्मल व्लॉग बना लेंगे तब मोटो व्लॉग नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी अकेले में थोड़ा दिक्कत हो जाती है शूट करने में, तो उसके लिए तो देखो ऐसे ही जाएंगे ट्रैवल करते हुए और मोटो व्लॉग करते हुए। तो अभी तक आप लोगों को हिल राइड कैसे लगी ये मेरे को बताना। बाकी मतलब इधर आ गया ना, सच बता रहा, उमस हो रही यार, पता नहीं क्यों आज बना, और टाइम ना ठीक लगता था, अभी रास्ते में आ रहा तब ठीक लग रहा था, पर अभी ना फिर दोबारा उमस होने लग गया, पता नहीं क्यों उमस हो रही इतनी। जैसे ही बोला ना मैंने यहाँ पे उमस हो रही, तो मतलब कि वैसे ही एकदम मौसम चेंज हो गया, और मौसम चेंज होने के बाद देखो
कितना बढ़िया मौसम हो गया और हवा अब अच्छी चल रही है। ऐसे बोलते हैं मतलब कि पहाड़ों में जो हवा चलती है वो एकदम बढ़िया चलती है। अभी पता नहीं जब मैं आ रहा था तब ठीक चल रहा था ठीक है, पर जैसे मैं यहाँ पहुँचा ना एकदम से उमस हो गई थी और तो गर्म हो रहा था, पर एकदम से मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए मुश्किल से और 5 मिनट में देखो मौसम पूरा चेंज। तो यही है अपना उत्तराखंड का मौसम जो कभी भी मतलब कि चेंज हो सकता है। अभी देखो गर्मी हो रही थी अब देखो एकदम हवा चलने लगी। तो ये सही बात है, ऐसी चीज़ सिर्फ मतलब कि अपने उत्तराखंड और अपने देहरादून में ही हो सकती है, बाकी और कहीं नहीं हो सकती। मतलब कि कभी मतलब कि धूप रहेगी और कभी एकदम मौसम चेंज हो जाएगा, बारिश वाला हो जाएगा एकदम ठंडा मौसम, तो ऐसा सिर्फ अपने उत्तराखंड में ही हो सकता है, बाकी और कहीं नहीं हो सकता भाई। सच बता रहा हूं मैं, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। अभी उमस होती सही बता रहा मैं, और अब देखो कितनी मस्त हवा चल रही। आप लोगों से ऐसे कैमरे में भी हवा की आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की, पर यही सच्चाई है उत्तराखंड की, यही सच्चाई है। अगर यहाँ धूप एकदम है ना तो 5 मिनट बाद एकदम से ही सबूत आप लोगों के सामने है यार। ये देखो ऊपर पूरा मतलब मौसम पूरा चेंज हो गया, टोटली चेंज हो गया मौसम। तो एक काम करते हैं यहाँ से मतलब कि थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और बाकी वहीं से यूटर्न मार लेंगे। ज़्यादा मतलब कि ऊपर लंबी धार या फिर उससे ऊपर जाने का कोई प्लान है नहीं मेरा आज का, तो बाकी फिर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं थोड़ा। चलो फिर यहाँ से चलते हैं। और बाकी फिर एक चीज़ बताना जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि मतलब कि अब कल से मतलब कि ऐसा ट्राई करते हैं कि देखो गर्मियाँ तो आ चुकी है ठीक है, मतलब अभी भी देखो यहाँ हवा चल रही है पर फिर भी गर्मी लग रही है ठीक है, जो रियलिटी में बता रहा हूँ गर्मी लग रही है। अब कल से एक काम करते हैं कि मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन चलते हैं और वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, मौका मिला तो नहा भी लेंगे अगर पानी साफ मिला तो। बाकी कल से मैं सोच रहा हूँ कि कल से यही करते हैं अपना एक्सप्लोर दोबारा से शुरू करते हैं, क्योंकि गर्मी आ चुकी है और एकदम प्रॉपर जैसे बोलते हैं ना गर्मी लग रही है वो सीन हो गया अब। तो फिर अब कल से दोबारा वही करेंगे अपना एक्सप्लोर का और नई नई जगह और बढ़िया बढ़िया जगह जाएंगे जो गर्मियों के लायक होगी ठीक है। तो फिर चलते हैं यहाँ से, अभी तो यहाँ से चलते हैं, बाकी कल की कल देख लेंगे क्योंकि ये किमाड़ी है ये सबने देखा हुआ है ठीक है। बाकी अब मैं सोच रहा हूँ देखो जो मैंने आप लोगों को अभी बताया ना, जो मैं सोच रहा हूँ आपसे मतलब कल से करेंगे अपनी नई सीरीज स्टार्ट जो कि मतलब की होगी एक्सप्लोर की, और बढ़िया बढ़िया भाई इधर भी हो सकती है भाई नीचे की तरफ एक्सप्लोर की, कई जगह कभी भी कुछ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। वो जो भी बता रहा था आते टाइम नीचे की तरफ की, नीचे की तरफ भी कुछ हो सकता है। बाकी देखो नीचे की तरफ ना एक रास्ता जा रहा है ठीक है, और पता नहीं नीचे की तरफ भी शायद से देखो क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक जो ऊपर है ना वाटरफॉल लंबी धार का, मतलब कि वहाँ से एक जो नीचे की तरफ लोकेशन थी जो पिछले साल काफ़ी वायरल हुई थी, हम लोग भी गए थे वहाँ पर और पानी एकदम साफ सा ठीक है। तो वो जगह तो देखो बैन कर दी, पर वो पानी जा कर रहा देखो, किसी ने सोचा है नहीं सोचा, हम सोचेंगे वो पानी जा कर रहा, वो पानी ऊपर से नीचे ही जा रहा। और बाकी ना देखो ये ना घाटी है, देखो उधर से भी पहाड़ पूरा नीचे है, इधर से भी पहाड़ ना पूरा ऐसे नीचे है ठीक है, ये घाटी है ऐसे वी में। और जब ऐसे वी में होगा तो पानी देखो ना इधर आएगा ना इधर आएगा, ऐसे बीच से ही आएगा ना पानी तो है ना, तो इधर की तरफ ना पक्का नदी जारी होगी। तो इधर की तरफ भी मेरे को डाउट है कि, और एक बार मैंने वहाँ ऊपर से भी देखा था कि नीचे की तरफ ना एक ब्रिज दिख रहा था ठीक है, तो मेरे को मतलब थोड़ा डाउट लग रहा है कि नीचे की तरफ ना यहाँ पे कुछ मतलब की लोकेशन हो सकती है बढ़िया सी। तो जैसे मैं आप लोगों को कह रहा था कि यहाँ नीचे भी हो सकती है, तो यहाँ पे भी ट्राई जरूर करेंगे यार, क्योंकि देखो यहाँ पे ना गाँव है ठीक है, तो गाँव को पानी कहाँ से चाहिए होता है, मतलब नदी से चाहिए होता है ज़्यादा, तो इधर पक्का नदी नदी है और साथ में ना पानी भी होगा जितना मेरे को लग रहा। ये देखो भाई ये जगह कह रहा हूँ मैं भाई एक बार फिर, मतलब जितनी बार देखो ना बढ़िया लग रही है यार देखने में लोकेशन। ये देखो ये देखो नीचे नदी है दिग्गी, ये देखो पानी की आवाज़ आ रही होगी, वो देखो नीचे नदी तो है, देखो इतना पता चल गया नीचे नदी है ठीक है। और अब यहाँ पे बढ़िया सा एक एक या दो स्पॉट तो होंगे नहाने के जब तक मेरे को लग रहा ठीक है, तो एकदम बढ़िया मज़ा आ जाएगा भाई किमाड़ी में एक और जगह एक्सप्लोर करेंगे, और वो कौन करेगा, हम करेंगे। पानी भी दिख रहा मेरे को, नदी की आवाज़ भी काफ़ी तेज़ आ रही, पर बाकी ये देखना पड़ेगा उस रोड से रास्ता है या इस रोड से रास्ता है, ये देखना पड़ेगा। बाकी नीचे की तरफ भी एक रोड दिख रही है कच्ची जाते हुए, देखो हल्का सा आगे होना पड़ेगा, ये देखो ये वाली रोड दिख रही होगी नीचे से। अब देखना पड़ेगा ये रास्ता कहाँ से आ रहा, पता तो करना ही पड़ेगा भाई। अब तो भाई देख के मज़ा आ गया, ये लोकेशन तो पता करना पड़ेगा फटाफट। देखो किमाड़ी का शेर, किमाड़ी में ऐसा शेर घूम रहा था अभी आजकल, फिर दोबारा घूम रहा है, एक के पीछे एक देखो दो दो शेर मैंने आप लोगों को दिखा दिया किमाड़ी में। एक्सप्लोर करने का मजा ना वैसे यहीं आता है, पहाड़ों में जाओ ना तो एक्सप्लोर करने का मजा वहां अलग आता है, मतलब कुछ तो बात है, मतलब कि यहाँ पे एक तो एक्सप्लोर करने के लिए भी काफी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन रहती है और मजा भी आता है देखो एक्सप्लोर करने में, मतलब कि ट्रैक हो जाए ठीक है, और साथ में मतलब कि अगर मतलब नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि अगर ट्रैक हो जाए वाटर क्रॉसिंग कर रहे हो हम लोग, मतलब पहचल के कर रहे हो हम लोग वाटर क्रॉसिंग, तो पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ना ट्रैकिंग यहाँ से भी है, मतलब कि किमाड़ी से जाओ और सीधा मतलब कि संतरा देवी निकलते हैं, और इस पहाड़ के पीछे ही मतलब कि संतरा देवी है पूरा, तो ट्रैक करते हुए जाओ तो काफ़ी मज़ा आएगा यार उसमें, अभी तक मैं भी नहीं गया वहाँ पे। ये देखो जरा जो ये पेड़ दिख रहे हैं ना इतने बड़े बढ़िया, इसी पेड़ के नीचे से ही अपना ट्रैकिंग का रास्ता है, ये देखो ये वाला जो ये जा रहा नीचे की तरफ, जो कि मैंने आप लोगों को पिछली बार भी यहाँ से जाके दिखाया था पर ज़्यादा आगे नहीं गया था, वहीं से वापस आ गया था। तो और उस टाइम ना मैंने यहाँ पे ट्रैकिंग करी नहीं थी क्योंकि मेरे को, मैं उस टाइम आया था सिर्फ रास्ता दिखाने, मतलब कि एक्सप्लोर कराने आया था कि ये रास्ता जाता है ठीक है, पूरा प्रॉपर नहीं गया था मैं आगे तक। तो अभी एक दिन प्लान बनाएंगे एक बार और ना यहाँ से चलेंगे सीधा संतरा देवी ट्रैकिंग करते हुए, बढ़िया मज़ा आएगा यार उस दिन।
तो बाकी फिर देखो आज वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, ठीक है। जब मतलब कि हिल राइड करने आए थे तो हिल की तरफ ही एंड करते हैं व्लॉग को, क्योंकि देखो इसके बाद आगे जाके ना कुछ मेरा प्लान है नहीं आज का, बस थोड़ा बहुत प्लान था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, और मतलब कि कल से क्या प्लान है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। कि कल से मतलब कल से नहीं मतलब एक दिन छोड़ के व्लॉग आएंगे, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, ठीक है। तो वैसे ही अब करेंगे और शाम को 6:15 में व्लॉग आएंगे, ठीक है। अब से मेरे को बताना कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि कल से एक्सप्लोर करेंगे, कौन कौन मतलब कि एक्सप्लोर के लिए एक्साइटेड है ये मेरे को कमेंट में जरूर बताना जरूर, ठीक है। क्योंकि गर्मी आ गई और काफ़ी सारे लोग देखो गर्मियों से ना गर्मी से हो जाते हैं परेशान, तो उन लोगों को चाहिए होती है एकदम बढ़िया जगह जहाँ पे वो जाके वो एंजॉय कर सके और रिलैक्स हो सके, ठीक है। गर्मियों में पानी वाली लोकेशन एकदम बढ़िया सा स्पॉट हो, तो कल से अपना करेंगे बेस्ट ट्राई कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में जाए। तो बाकी फिर इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, लाइक करके सपोर्ट करना है कि जा भाई तू जा हम तेरे साथ हैं, ऐसे करके कुछ बोल देना कमेंट में बढ़िया सा। तो बाकी फिर इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो बाकी फिर आज वाली वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, जितने भी चैनल में नए लोग तो सब्सक्राइब बटन, मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।